टीस मारने वाला सिर दर्द, आंखों से धुंधला दिखना, रोशनी और आवाज को लेकर सेंसिटिव होना और बीमार महसूस करना। अगर आप भी सिरदर्द के इन गंभीर लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो आप भी उस आबादी में से हैं जो माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 100 करोड़ लोग यानी हर 7 में से एक व्यक्ति माइग्रेन से जूझ रहा है। लोगों के बीच माइग्रेन से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जून महीने में माइग्रेन अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। आइए आपको माइग्रेन से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी बताते हैं। क्या न्यूरोलॉजिकल है माइग्रेन? इस बीमारी में दिमाग और उसकी नसें प्रभावित होती हैं। माइग्रेन एक क्रॉनिक बीमारी है, यानी ताउम्र आपके साथ रहने वाली बीमारी। माइग्रेन क्यों होता है? सभी लोगों में माइग्रेन होने के अलग अलग कारण होते हैं। फिलहाल चमकीली रोशनी, मौसम में बदलाव, रूटीन का बदलना, डिहाइड्रेशन होना और हॉर्मोन्स में बदलाव को माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। माइग्रेन से तुरंत राहत के लिए क्या करें? आंखें बंद कर ठंडे पानी से नहा लें। 10 मिनट तक ठंडे पानी से स्पंजिंग करें और हर 30 मिनट में इसे दोहराएं। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाली चीजों से दूर रहें। माइग्रेन लोगों की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस लेकर आता है, इसलिए पेशेंट के अलावा उसके सहयोगियों को भी उसकी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए।